सो फाइनली गाइस हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके निकल रहे हैं, तो सभी को बम बम बोले, चलिए चलते हो, चलो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जैसे बाबा धाम से, क्योंकि बाबा के दर्शन की बात है, यहाँ पर बहुत सारे आपको रुद्राक्ष वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे आपको रुद्राक्ष वगैरह मिल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग डाउन होने गए बाबा बर्फानी धाम से, नीचे जा रहे हैं और ये चारों तरफ चलिए अपन लोग नीचे चलते हैं। और वेदर बहुत ही अच्छा है, आज बारिश वगैरह नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी है, उन्होंने किसी के पास रेन कवर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही आ गए हैं। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ से काली माता का मंदिर जो है लगभग 3.5 किलोमीटर है, तो वहाँ भी दर्शन करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ से व्यू देखिए, जैसे बालता रोड का रोड है ये, जैसे वहाँ पर आप रोड देख रहे होगे वो पहलगाम साइड जाता है चंदन वायरी की ओर, और ये रोड जो जाता है बालताल की ओर, तो दोनों रोड एक साथ मिलता है सामने में जाकर। तो जैसे आप बालताल रोड से उतरोगे तो ये रहेगा, और चंदन वारी या उधर आप हेलीकॉप्टर से आओगे तो उस रोड का लेना पड़ेगा आपको। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वेदर देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। और भी अरे पुटू हो आप, तो भाई साहब यहाँ से चढ़ाई देखिए, ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक। वहाँ से हमारे रास्ते ये पहलगाम रोड, सो गाइस ये देख सकते हो व्यू देखिए इतना प्यारा है ये बालताल रोड का, और हम सभी लोग एक साथ जा रहे हैं होली एंजॉय करते हुए, ठीक है। बहुत ही प्यारा लोकेशन है और बाबा दर्शन, बाबा बर्फानी का दर्शन करने के बाद आपको जाना पड़ता है बालताल रोड के लिए, तो ये नॉर्मल रूट है, ज़्यादा यहाँ पर है ही नहीं है, तो इसी रूट से आपको जाना है, देख सकते हो पूरा नीचे जाना है अभी। चलिए चलते हैं और बाबा का दर्शन हो गया, बहुत ही अच्छे से प्रसाद वगैरह भी ले लिए हैं, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस जैसे बालताल में जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत, और वीडियो नहीं लेना छोटे से ये बच्चा, और यहाँ से सब छोटा सा ब्रिज पड़ कर के पानी यहाँ से जा रहे थे यहाँ से, और यहाँ पे व्यू बहुत ही खूबसूरत है वाटरफॉल का। ये मैंने देखो चढ़ाई में, सो भाई साहब हम उतर रहे हैं अभी, लगभग 4-5 किलोमीटर और बचा हुआ है उतरने में, और व्यू देखिए अभी भी ये बालताल का रोड है बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, व्यू देखिए कैसा लग रहा है बताओ आप लोग, पूरे केदारनाथ वाला वाइब है, लेकिन केदारनाथ से भी ज़्यादा चढ़ाई और कड़ी चढ़ाई और बहुत ज़्यादा मेहनत है, ऐसे बाबा बर्फानी का धाम तो अलग ही लेवल के, देख सकते हो। ये अपने बालताल जाने का रोड पे चल रहे अभी, और हालत फिर ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा थकावटें हो गई है, और पीछे में ग्लेशियर देखिए मेरे साथ, तो बाबा बर्फानी दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं, और RFID कार्ड अपना, चलिए ये अपना गोप्रो और प्रसाद वगैरह लिए हैं, बहुत ज़्यादा थकान है यार बहुत ज़्यादा। सॉरी यहाँ से व्यू देखिए यार कितना प्यारा लग रहा है, तो यहाँ से हम बालताल की ओर नीचे जा रहे हैं,
और एक कुछ भी इस प्रकार से रूट। चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ से बहुत लंबा सफ़र है, अभी 7-8 किलोमीटर चलना पड़ेगा लग रहा है। चलिए तो भाई असत्य में जो सत्य वही शिव का स्वरूप है, और यहाँ से फिर व्यू देखिए। तो भाई ये है बालतलाल जाने का रूट, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमें घोड़े वगैरह, और पूरा खतरनाक रूट है यहाँ। तो सब लोग बालताल से रूट से चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, ये देख सकते हो। रुको ना, बस मत पूरा रुक जाओगे तो हाथ पैर दर्द देगा और ज्यादा। आप लोग तो हारोगे भी नहीं, म्यूजिक के साथ चल रहे हो, कभी नहीं के नाम लेते लेते। बोले क्यों? टोल फ्री टॉफी 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 तो नहीं है बट्टू, ए टॉफी चाहिए कुछ खाने का, तो इसको मिक्सर रखा है ना रे, तो अपना सनातन इसको मिक्सर दे रहे हैं। ए चश्मा देख, यो वन लाइफ बेबी, उसको दे दे, ठीक है बाबू, दे रहे बिल्कुल, दे रहे हैं। दो दे दो, एक दो ना है, एक मिनट नहीं खाऊंगा, ये भी हम लोग का छोटू है, ये हम लोग का छोटू है ये।
कश्मीरी भाई अपने यहाँ कश्मीर के मस्त ठंडा वंडा पिलाया और सौर लोग भी है जो आसपास मिले, मज़ा आ गया। और यहाँ से नीचे उतरते जा रहे हैं और हमारे सेवा में तत्पर हमारे सिक्योरिटी के लिए ITBP वाले सर हैं जो हमेशा 24 आवर्स हमारे सेवा में लगे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान। तो चलिए और लेकर आपको चलते हैं और नीचे तरफ से मिलाते हैं और भी बहुत सारे प्लेसेस को साथ में घुमाते हैं आपको। यहाँ पर मुरादाबाद भंडारा था जो कि रेल पट्टी के पास है, यहाँ पर खाना वगैरह खाए हैं और 6:15 हो गए नीचे उतरना है हमको। चलिए नीचे उतर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। महेश लोग को देखो, संदीप महेश और यहाँ पर सनातन, हालत थोड़ा बेकार है दोस्तों क्योंकि चलते चलते थक गए हैं। बाकी चलिए चलते हैं और आगे में मिलते हैं। सॉरी जी, यहाँ पर बारिश होने का चांस है तो जल्दी जाना है। और यहाँ पर अपना नया ब्लॉगर महेश ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं उसका, और उसका साथ दे रहा है संदीप। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से व्यू है, 3 से 4 किलोमीटर बचे अपना नीचे तक बालताल बेस कैंप पे, और वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से अपना गाड़ी वगैरह करके आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही प्यारा ग्लेशियर है यहाँ पर, देखिए
मढ़े देना। तो भाई जैसे जैसे नीचे जाते रहे हैं तो दर्द पैर का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर महेश सनातन सब मस्ती कर रहे हैं और पीछे का व्यू देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा केदारनाथ से ज्यादा चढ़ाई अमरनाथ में है और अमरनाथ यात्रा नामुमकिन तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ चढ़ोगे तो पैरों का तो हाथ हो जाएगा और ये अपना सनातन यो कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते बेस कैंप तक, लगभग 3 मिनट बचा है, 3 किलोमीटर बचा है लगभग, चलिए चलते हैं। बाकी हाइट तो सबका देख सकते हो, हमारा गौरव बाबू भी काला हो गया है, काला बाबू बिट कर दिया हो गया है और ये तो और डबल बिट कर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर आरंभ का मैं अनंत हूँ, हर अनंत जो हर अंत है मैं उसका आरंभ हूँ, मैं सी हूँ। यहाँ पर बहुत ही प्यारा लिखा है और यहाँ पर भुट्टा वुट्टा खाएंगे और यहाँ से व्यू देखिए पीछे का दोस्तों हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहे हैं। और चलिए यहाँ से भुट्टा ले रहे हैं लोग खाएंगे। सो फाइनली गाइस हम अभी यहाँ देख सकते हो 2 माइल 1 किलोमीटर से और बालताल बेस कैंप 3.5 किलोमीटर यहाँ से। तो यहाँ से हमने को जाना पड़ेगा बालताल बेस कैंप और 2 माइल में शायद हमको मिल सकता है टैक्सी वगैरह, तो देखते हैं। बाकी व्यू देखिए आप लोग और सब क्या खा रहे हैं। मैं भुट्टा खा रहा हूँ, सब लोग के साथ इंजॉय कर रहे हैं सब और भुट्टा का मजा ले रहे हैं। मैं 2 भुट्टा खा दिया है, 2 भुट्टा खाया, 2 भुट्टा खाया। कितना मोटा का है? तू क्या कर रहा है? घूमने मक्का। अंकल चखना में खाना। तीन के पैसे दे गया हूँ मैं। हाँ उन तीनों के होंगे। हेलो। अरे पहले पैसे दिए थे, बाद में भूख नहीं है। सो गाइस यहाँ पर श्री अमरनाथ जी यात्रा भक्तों का स्वागत बोल रहे हैं और जम्मू और कश्मीर की तरफ से। और यहाँ पर बेस कैंप आपको दिखाई दे रहा होगा और जय बाबा बर्फानी लास्ट यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे एक निमोनी बोल के यहाँ बेस कैंप है वहाँ पर, फिर यहाँ से अपने को गाड़ी वगैरह मिल जाएगा नीचे जाने के लिए। तो हमें बेस कैंप नंबर 1 में जाना है, ये बेस कैंप नंबर 2 है।
देख सकते हो यहाँ से, थोड़े देर चलते हैं। चलिए इसको डाल देना, बिना सोचे समझे डाल देगा ना हो जाएगा पूरा। और सब लोग फिलहाल मजा करते आ रहे हैं देखिए दोनों को। और एक तो यो, अच्छा चश्मा लगा कर बात करूंगा बोल रहे हैं दोनों को। देखिए बैकग्राउंड दोनों को, पीछे का बैकग्राउंड देखिए आप लोग, पूरा सिस्टम फाड़ दे रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम बेस कैंप के पास आ गए हैं और यहाँ से अपने को गाड़ी वाड़ी मिल सकता है जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। इस प्रकार से अपना पूरा गाइस लोग आ गए हैं यहाँ पर और अपना फोटोग्राफी वगैरह लास्ट ले रहे हैं यहाँ से, चलिए चलते हैं। और फाइनली 15 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद हम बेस कैंप पहुँचने वाले हैं और ये बालताल के पास है। यहाँ से बालताल लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। चलिए बेस कैंप में अगर गाड़ी वगैरह मिलता है तो देखते हैं वहाँ से और लेते हैं। बाकी व्यू देखिए कैसा लग रहा है मेरे को बताइए कमेंट करके। सो फाइनली गाइस हमारा अमरनाथ यात्रा संपन्न हुआ है। यहाँ पर लिखे थैंक्स एंड विजिट अगेन बोल के श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से, और यहाँ पर बोर्ड लिखा है। और यहीं से चालू होता है अमरनाथ यात्रा बालताल वाले। यहाँ पर BSF का पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा बेस कैंप। तो हमारा पूरा आज जो यात्रा है यहाँ से सफल हुआ दोस्तों। चलिए और भी आपको नीचे लेकर चलते हैं। यात्रा समापन के बाद कार्ड को यहाँ पर जमा करना पड़ता है, देख सकते हो जो अपने को यात्रा कार्ड मिला है। और यहाँ से जितना अभी जाना है सोनमार्ग 17 किलोमीटर, ये सब कुछ तो अपना अपना कार्ड जमा करा पड़ो। यहाँ पर सनातन अपना कार्ड लेकर, महेश अपना कार्ड दे रहे हैं, संदीप अपना कार्ड दे रहे हैं, सभी के कार्ड यहाँ पर जमा हो जा रहा है। चलो तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से अपन 350 मीटर से अपने को फ्री टैक्सी सर्विस प्रदान किया जा रहा है यहाँ से, चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर क्या है डोमेल के पास, यहाँ बालताल के 3 किलोमीटर दूर है। सब लोग यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर निःशुल्क बस चल रहे हैं जो कि आपको बालताल तक ले जाता है लगभग 3 किलोमीटर, तो उसी का वेट कर रहे हैं सब लोग। फिर नीचे जाएंगे आप बेस कैंप नंबर 1 तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग को जाना है दूसरी जगह। और यहाँ पर देख सकते हो सब रेस्ट कर रहे हैं आराम से, तो चलिए आगे चलते हैं और भी।